आप यहाँ हमें बात को क्लियर करें, क्लीन करें कि इस वक्त असल सूरत हाल
उन्हें मरी मुंतकिल कर दिया गया यहाँ पे वो हाउस अरेस्ट है, और वहां से जो तीसरी इंफॉर्मेशन है कि उनको कराची भेजा जाएगा, और एक आला शख्सियत भी उनके साथ हैं जो ये हमारे सोर्स से हमें पता चला शायद ये गलत भी, लेकिन अगर हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन है तो आप लोगों के पास ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन होगी कि आप लोगों के पास सोर्सेज हैं, सब कुछ आप लोगों के पास है। तीनों बातों को उन्होंने रद्द किया कि ना वो अरेस्ट हुए हैं, ना वो हिफाजत का भी हुए हैं, ना वो नजरबंद है, उनके साथ मुजाकरात हुए हैं ये इन्हीं के। उस मुजाकरात के नतीजे में नकवी साहब ने खुद कहा है कि ठीक है अगर यहाँ पे हालात खराब होते हैं तो मैं यहाँ पे मजलिस नहीं पढ़ूंगा, मैं यहाँ पुरमन तरीके से मैं चला जाऊँगा, मतलब ये इंतजामिया का कहना है कि ये बात नहीं है, और वो अपनी मर्जी से गए। तो हमने उन्हें कहा कि चले वो अपनी मर्जी से गए, मैं और आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ, ना वो नजरबंद है, ना वो हिफाजत है, ना उनको गिरफ्तार किया गया है, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि वो गुमशुदा है। अगर वो गुमशुदा है तो फिर भी आप उनको देखें ना वो कहाँ पे, क्योंकि ये सारे उनके फॉलोअर्स खड़े हैं, वो कभी भी परेशानी में नहीं डालेंगे अपने लोग, उन्होंने कहा उनका नंबर बंद है, उन्होंने वो कभी भी नंबर बंद नहीं करेंगे, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर परेशानी फैली हुई है, इस परेशानी को खत्म करें ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सुबह यहाँ पे ज्वाइंट सेशन का इजलास किया, हम नहीं चाहते कि हम लोग आपके साथ कोई टकराव की कैफियत में है या हम आपके साथ कोई यहाँ पे और किसी मामले में खड़े हों, आप सिचुएशन को डिफ्यूज करें, आधे घंटे का हमने उनसे टाइम दिया है कि आप पता चलाएं कि कहाँ पे हैं, अगर वो आपके कहने के मुताबिक वो अपनी मर्जी से गए हैं तो एक आप वीडियो मैसेज वहाँ से आप रिकॉर्ड करवा दें कि वो अपनी मर्जी से गए, मुश्किल में नहीं है और वो अपनी मर्जी से कराची जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सिचुएशन खुद ब खुद खत्म हो जाए। और जो आखिरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हम लोग हैं पुरअमन, हमेशा से हमने पुरअमन यहाँ पे जितने भी एहतजाज किए हैं हमने पुरअमन रहना है, कोशिश करें कि किसी लूज इंफॉर्मेशन के ऊपर तवज्जो ना दें, ना कोई अपने पास से आप लोग कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसे मैसेज कन्वे करें जिससे और फंस करिए। सही बात, तो ये सारी बात हुई है, ये आप लोगों के सामने रखती है और ये मनो मन इन्हीं अल्फाजों में बात हुई है, बाकी भाई खड़े हैं ये मेरे साथ थे वहाँ पे, तो भाई आधे घंटे के बाद हम दोबारा जाएंगे उनसे बात करेंगे, फिर वो जो बात कन्वे करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों तक। जी नाज़रीन, इस वक्त यहाँ सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो मुजाहिरीन हैं इनमें से कुछ अफराद को इंतज़ामिया ने बुलाया था, पुलिस की यहाँ पे एसएसपी और उनके साथ दीगर जो अफराद थे उन्होंने बुलाया था, और इनके बकौल एसएसपी साहब का ये कहना था कि शहनशाह हुसैन नकवी साहब से इनकी बातचीत हुई है उनको, लिहाजा बहरहाल अभी जो इनकी फ़ाइनल बात यही हुई है कि आधा जो पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने शहनशाह नकवी साहब को गिरफ्तार नहीं किया है ना नज़रबंद किए हैं, बल्कि उनका खुद ये कहना था कि अगर यहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं तो मैं कराची वापस जाता हूँ, लेकिन जो हमारी तरफ से अफराद गए हैं उन्होंने उनसे ये कहा है कि अगर शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने ऐसी कोई बात की है तो आप शहनशाह हुसैन नकवी साहब की तरफ से वीडियो पैगाम वीडियो मैसेज इन मुजाहिरीन को भिजवा दें, जब आप उनकी तरफ से ये मैसेज आएगा तो फिर हम आगे का लाहमल तय करेंगे, तब तक यहाँ पर सब पुरअमन तरीके से बैठे हैं, सब पहले की तरह यहाँ पे मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और आधा घंटे का इन्होंने टाइम दिया है, आधा घंटे के बाद ये बताएंगे कि मामला क्या हुआ, बातचीत कहाँ तक पहुँची है, तो अगर इस हवाले से मज़ीद अगर अपडेट्स आते हैं तो वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। और ये डीजो की सब ये हालात है, उसके बाद ये सामने पार्लियामेंट है और यहाँ पर पुलिस की नाकाबंदी है, यहाँ पर पुलिस ने रिकॉर्डिंग खड़ी की है, यहाँ पर बंद है, सामने पुलिस अहलकार मौजूद हैं और उनकी नफरी भी मौजूद है, लेकिन इधर मोमिनीन भी
मुख्तलिफ शक्लों में नोहानी कर रहे हैं। कोई सीना जनी तो यहाँ पर बैठे हैं नौजवान सारे, और एक जानब खवातीन भी बैठी है, खवातीन की भी काफ़ी तादाद मौजूद है यहाँ।